केरल का कोरिकोड और कोरिकोड का पुरुकोट्टई। यहाँ की कच्ची सड़क पर चलते हुए हमें एहसास ही नहीं था कि केरल फाइल की एबीपी इन्वेस्टिगेशन का ये पड़ाव सबसे ज्यादा सनसनीखेज होने वाला है। बस कुछ देर बाद आपकी स्क्रीन पर फिल्म द केरल स्टोरी और हकीकत के बीच कहीं दबा हुआ वो सच सामने आने वाला है, जो आज से पहले ना तो कभी बोला गया, ना दिखाया गया और ना ही सुना गया। एबीपी न्यूज ने यह ठाना है कि हम सच की तह तक जाएंगे और कई लड़कियों से बातचीत करने के बाद, उनके माता पिता का दर्द जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या वाकई केरल में एक खास धर्म पर आरोप है कि वो हिंदू धर्म की लड़कियों का जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रहा है। क्या वाकई लड़कियां किसी मजबूरी में, किसी डर में अपना धर्म बदल रही हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरा रुकिएगा, मैं आपको दूसरे पहलू की तरफ भी लेकर जाना चाहती हूँ। और मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, अगर आप में से कोई केरल की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को जानते समझते होंगे तो आप अली अकबर का नाम आपने जरूर सुना होगा, इनको देखा भी होगा कई बार। अली अकबर 58 साल की उम्र में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तित किया, यानी कि ये पहले मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखते थे और अब ये हिंदू बन गए हैं और अब इनका नाम रामा सिंहन है। राम सिम्हन के पास केरल की कन्वर्जन फैक्ट्री से जुड़े एक से एक विस्फोटक खुलासे थे, एक रूह कपा देने वाला सीक्रेट था, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खुद राम सिम्हन से सुनिए कि आखिर उन्होंने कन्वर्ट होने का फैसला क्यों किया। आई वॉज ए मुस्लिम, आई स्टडीड हिंदुइज्म वेरी वेल। आफ्टर स्टडीइंग हिंदुइज्म आई टुक अ डिसीजन, इट इज नॉट अ रिलीजन but it's a way of life, so I took Hinduism as a way of life. My question was, did anyone from Hinduism or any Hindu scholar try to convince you? No. I learned Gita by myself. राम सिम्हन का दावा है कि उन्हें कन्वर्ट होने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया, बल्कि उनका कहना था कि वो जब तक इस्लाम धर्म में रहे, नेशनलिस्टिक मुस्लिम बनकर रहे। हम नेशनलिस्टिक प्रीफिक्स का मतलब समझना चाह रहे थे। And I was a nationalistic Muslim in that period. Up to 20 years I lived like a nationalistic Muslim who believes in India, a Muslim. Why do you think the other who are not, they are not believing in India, they are believing in Islamic country actually. But how can you say this? Because Quran says so. Quran says so. If you are a Muslim, you have to think about the Islamic country. You must fight for the Islamic country. That is jihad. That you know. It is written in the Quran. I'm not saying lie. बातों बातों में राम सिम्हन ने अपने कन्वर्जन का टर्निंग पॉइंट भी बता दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टर साहब का दावा है कि फेसबुक पर कुछ जाहिलों की हरकत ने उन्हें अली अकबर से राम सिम्हन बनने के लिए मजबूर कर दिया। कोई ऐसा इंसिडेंट आपने देखा हो जिससे जो आपकी आंखें खोलने वाला था या टर्निंग पॉइंट था, या कुछ ऐसा आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो, समथिंग हैपेंड दैट यू नो ट्राइड? Yeah, that made you actually, think of something one different. One day, that you know, our accidental death of our chief of army, Rawat. He was general. General Rawat. Okay. That day, I saw so many laughing emojis in my Facebook. Okay. That day. I deserve to change. Okay. राम सिम्हन का दावा था उन्होंने केरल में धर्म बदलने के कई केसेस देखे हैं। उनकी आंखें कई धर्मांतरण की गवाह हैं। बात जब हिंदू और ईसाई लड़कियों के धर्म बदलने की आई तो ऑन कैमरा राम सिम्हन ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। Girls are behind the curtain now. So many girls are behind the curtain now. They don't want to come forward. They don't want. They are hiding. Actually, they are hiding because of the threat from the Islamists. Actually, not Muslim, Islamists. Even more than 50,000. They are asking for 32,000. I know it is more than 50,000. That is the truth. 50,000 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं
केरल में दे आर बिहाइंड द कर्टन। जाहिर है ये आंकड़े राम सिम्हन के हैं। एबीपी न्यूज इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन राम सिम्हन का दावा है कि चूंकि कन्वर्जन के केस में कई पीड़ित परिवार पुलिस में शिकायत नहीं करते, इसलिए आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। हम आंकड़ों के गणित में उलझना ही नहीं चाहते थे। हमारी टीम और हमारे कैमरे को प्रमाण की तलाश थी। अली अकबर से राम सिम्हन बने शख्स ने हमें एक ऐसा सीक्रेट बताया जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। फिल्म आई है केरल स्टोरी, उस फिल्म में धर्मांतरण सब्जेक्ट को सेंटर में रखा गया है और फिल्म आई गई है। आप खुद फिल्म डायरेक्टर हैं, क्या आपने कभी इस तरीके की फिल्म बनाने की कोशिश की? आई ऑलरेडी डन ए फिल्म ऑन द मोपला राइट, 1921 मोपला राइट। अच्छा, या ऑलरेडी डन ए मूवी एंड रिलीज इन केरला। ओके, एंड रन 25 डेज एक्चुअली। Now it is going to Hindi version. 1921 के मोपला दंगों पर फिल्म बनाकर राम सिम्हन केरल भर में सुर्खियां बटोर चुके हैं। आज उनकी क्रिश्चियन पत्नी भी हिंदू धर्म अपना चुकी है। अब सवाल उठता है कि फिल्म द केरल स्टोरी में बताए गए धर्मांतरण और अली अकबर के धर्म बदलने में क्या अंतर है? आखिर क्यों फिल्म पर विवाद है जबकि अली अकबर पर नहीं? इस सवाल का अपना जवाब राम सिम्हन के पास है। राम सिम्हन कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म बदला, वो केरल की कन्वर्जन फैक्ट्री के प्रोडक्ट नहीं है। जी हाँ, राम सिम्हन का दावा है कि केरल में कई जगह कन्वर्जन फैक्ट्री चलती हैं, आसमान के नीचे, लोगों के बीच में और कानून के सामने। केरला, देयर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंट्स, दे आर गेटिंग मनी For Brahmins, they are charging 5 lakhs. They are, for Nayas, they are charging 3 lakhs. For Christians, they are charging 2 lakhs. Brahman, 5 lakh. Nayar, 3 lakh. Aur Isai, 2 lakh. Muslim se Hindu bane Ram Simhan ke mutabik, Kerala mein conversion factory ka yahi rate hai. Ram Simhan ka dawa hai ki Kerala ki kathit conversion factory mein गोल्ड और नार्कोटिक्स के जरिए हवाला का पैसा लगता है। राम सिम्हन ऑन कैमरा बोल रहे थे कि कन्वर्जन फैक्ट्री का सच केरल में हर कोई जानता है, लेकिन वोट बैंक की वजह से शासन प्रशासन मौन रहता है। कैमरे के सामने राम सिम्हन ने कई जगहों के नाम लिए, कई संस्थाएं गिनाई जहां उनके मुताबिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हमारी टीम कन्वर्जन फैक्ट्री का सच जानने के लिए राम सिम्हन की बताई जगहों पर गई भी। वो रिपोर्ट हम आपको कुछ मिनट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए राम सिम्हन का वो दावा जिसे सुनकर हमारे भी होश फाकता हो गए। You know about rape jihad? नहीं। That I know. What is that? They are raping their own friends after giving narcotics, and they are taking the pictures of that girl, nude pictures of that girl. The next day they are asking to change their religion. It is happened to my own friend's daughter. Rape jihad. ये दावा सनसनीखेज था। आज से पहले हमने कभी ये शब्द नहीं सुना था, इसीलिए हमने राम सिम्हन से उनके दावे का आधार जानने की कोशिश की। राम सिम्हन का दावा है कि उनके एक क्रिश्चियन दोस्त की बेटी रेप जिहाद का शिकार हुई है। I talked to that girl, one Islamist given her what narcotics through the fruity can. अपने दोस्तों की बेटी के साथ हुई खौफनाक वारदात को बताते बताते राम सिम्हन की आंखों में अंगारे दिखने लगे। जुबान पर काबू खोता जा रहा था। किसी तरह राम सिम्हन ने खुद को संभाला, कहा कन्वर्जन के रैकेट में खाकी के कुछ लोग भी शामिल हैं, जो सच को किसी भी कीमत पर सामने आने ही नहीं देना चाहते। लेकिन हम केरल की कथित कन्वर्जन फैक्ट्री का सच सामने लाना चाहते थे। राम सिम्हन से विदा लेकर एबीपी न्यूज की टीम चल पड़ी एक साहसिक रियलिटी चेक पर। हमारे राडार पर थी केरल की कथित कन्वर्जन फैक्ट्री।
अब तक की इन्वेस्टिगेशन में केरल फाइल्स के जितने भी सफे खुल चुके थे वो चौंका रहे थे। श्रुति से लेकर अनखा और फमीरा जैसी लड़कियों ने केरल में कन्वर्जन हेडक्वार्टर के जो राज खोले थे, कन्वर्जन पर जैसे दावे किए थे, उनकी सच्ची और पक्की पड़ताल बहुत जरूरी थी। लिहाजा केरल का कोना कोना छानते एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम जा पहुंची कोरिकोड। वो कोरिकोड जहां तरबियत उल इस्लाम सभा है, जहां अनखा ने अपने कन्वर्जन का दावा किया था। दे स्लोली आस्क्ड मी अबाउट दे आस्क दे डिस्कस मी अबाउट देयर रिलीजन एंड दे गॉट नो दे गॉट अंडरस्टूड दैट आई एम स्टडीइंग डीपली अबाउट दिस रिलीजन एंड आई ओपनली सेड टू देम दैट आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इस्लाम। कन्वर्जन के अड्डे को बेनकाब करने का वक्त आ चुका था। एबीपी न्यूज की जाबाज रिपोर्टर निधि श्री बिना जान की परवाह किए उस तरबियतुल इस्लाम सभा में दाखिल हो गई, जहां कई राज खुलने वाले थे। तमाम फॉर्मेलिटीज हमसे करवाई गई, रजिस्टर में नाम पता और इस्लाम सभा में आने की वजह दर्ज करवाई गई। तभी हमारी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जो थोड़ी बहुत हिंदी जानता था। आप हिंदी में आप हिंदी बोलते हैं? तब तो बढ़िया, कुछ तो अच्छा हुआ मेरे लिए। लैंग्वेज का जो बैरियर हमारी पड़ताल के आड़े आने वाला था वो टूट चुका था। हमारा खुफिया कैमरा ऑन था। सब जांचने परखने के बाद हमें एक कमरे में बैठा दिया गया, जहां असलम नाम के शख्स से हमारी मुलाकात हुई और इसी मोहरे ने कन्वर्जन गैंग के तेजाबी मंसूबों का ट्रेलर हमें दिखा दिया। आपका नाम? मेरा नाम असलम भाई, मैं निधि हूँ एबीपी से और मैं दिल्ली से आई हूँ। जी सुना, मुझे मालूम नहीं फिल्म के बारे में, मैं देखता नहीं। वैसे तो उसमें अलग अलग तरीके की बातें हैं, उसमें ऐसा परोसा जा रहा है उस फिल्म के जरिए कि केरल में ज़बरदस्ती जो है वो लड़कियों का धर्म बदलवाया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि नहीं है? देखिए, ये सरासर बात गलत है। ये अपनी रोटी अपना थाली खाने के लिए किसी का इल्ज़ाम लगा रहा है, ये सरासर बात गलत है। ये कोई भी अगर ये फिल्म बना रहा है उसके ऊपर खुद कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा ऑन था। इस्लाम सभा में रहने वाला असलम अनजान था, वो बेबाकी से बोल रहा था। द केरल स्टोरी फिल्म पर उसकी भड़ास निकल रही थी। वो बार बार यही जिक्र कर रहा था कि केरल में कन्वर्जन का कोई खौफनाक खेल नहीं खेला गया। जैसे मैं अंकल के पास हूँ, अब वो ऐसा थोड़ी है कि मुझे वो गर्दन काट के मुझे मार के मुझे जबरदस्ती करके वो रोटी खा लेंगे मेरा, ऐसा नहीं है ना। वो जो फिल्म बना रहा है वो बहुत बड़ा गलत कर रहा है। किसी के धर्म पे किसी पे इल्जाम पे लगा के वो फिल्म बना के अपना काम करना है, ये बहुत गलत कर रहा है। ये ऐसे कोई कैमरा पे बोल पाएंगे? कैमरा पे बोलने के लिए बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? जो गलत है ठीक है, बस हम लोग इसीलिए आए। जो चीज गलत ऐसा अभी तक केरल में नहीं हुआ है। बातों बातों में असलम की जुबा और जहरीली होने लगी। वो अपना बैकग्राउंड बताने लगा। हमारी तेज तर्रार रिपोर्टर निधि श्री ने उससे ऐसा सवाल पूछा कि वो और आग बबूला हो गया। जन्म से मुस्लिम ही हूँ पर हिंदू के साथ में रह गया। अब मेरी मम्मी मेरे को मार दिया, जला दिया, तो मुझे रहना पड़ा हिंदू के साथ में, लेकिन हिंदू हमारे हम यहाँ उस सच की तलाश में आए थे जिसने अनखा और जाने अनखा जैसी कितनी लड़कियों की जिंदगी यहाँ तबाह कर दी थी। हम इस्लाम सभा के हर सच को कैमरे में कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन इससे आगे जो कुछ हुआ वो और चौंकाने वाला था। ये सब मैं भी नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मना किया, वो क्या करेगा? मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये जो भी बन रहे ये गलत। कैमरे पर आने के लिए कोई राजी नहीं था, लिहाजा हमें तरबियतुल इस्लाम सभा से बाहर जाने का फरमान सुना दिया गया।
कोड़ीकोर में तरबियतुल इस्लाम सभा में पहुंची ज़रूर हूं, एबीपी न्यूज़ का कैमरा भी पहुंचा है, और जिसके बारे में जो बातें कही गई कि यहां पर धर्मांतरण ज़बरदस्ती कराया जाता है, यहां पर मैं पहुंची हूं। ये आपके सामने तरबियतुल इस्लाम सभा है, लेकिन यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे सही जानकारी दे सकता है, क्योंकि सब ने कैमरे पर बात करने से मना किया है। और यहां पर पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये था ताकि मैं जान सकूं, समझ सकूं कि सच्चाई क्या है। हर तरीके की बातें हैं, लेकिन सच क्या है ये समझने की और जानने की हमारी कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर हमें मना कर दिया गया है, लिहाजा हमें यहाँ से लौटना होगा। यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ कुछ भी हो सकता था। निधिश्री खतरे को भाप चुकी थी। जिस खतरे का सिग्नल हमें मिल चुका था, उसका ट्रेलर इस्लाम सभा के बाहर एक अधेड़ उम्र के शख्स ने हमें दिखा भी दिया। What is my purpose? To shoot it from outside. Because I can shoot anything from outside. I'm not doing it from inside. Why are you shouting at me, sir? What is your purpose? My purpose is very clear. I have said why I'm here. No, agree. I am the police complaint. On camera, Tarbiyatul Islam Sabha ka ye pyada hame dhamki de raha tha. ये वही अड्डा था जिसका जिक्र अनखा ने भी किया था। अनखा ने जिस इस्लामिक सभा का जिक्र किया था वो मेरे ठीक पीछे है। अगर मेरे सहयोगी आपको अजी चाको दिखा सके, ये तरबियतुल इस्लाम सभा है, और आरोप यह है कि यहीं पर अनखा को आना था लॉकडाउन से ठीक पहले, और उसके बाद उसको धर्म बदलना था। लेकिन अभी जब मैं अंदर गई हूँ तो यहाँ पर कुछ भी इन लोगों ने कहने से इनकार किया और सीधा सीधा हमें मना किया है कि आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। हम यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर दूसरा ज़िला है मरप्पुरम, वहाँ पर भी कई ऐसे इस्लामिक सेंटर्स हैं, कन्वर्जन सेंटर्स हैं, जहाँ पर लड़कियाँ जो है वो आरोप लगाई हैं। तरबियत उल इस्लाम सभा में अगर कुछ गलत नहीं होता तो फिर हमें अंदर जाने से क्यों रोका गया? क्यों इस्लाम सभा से जुड़े लोग बार बार धमकी दे रहे थे? ये सब बताता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे ये लोग जग जाहिर नहीं होने देना चाहते। खैर, हम यहाँ से आगे बढ़े। हमारे टारगेट पर एक और कन्वर्जन का हेडक्वार्टर था। वहाँ जो कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो और भी विचलित करने वाला है। कोरिकोड से करीब 2 घंटे का सफर तय कर मल्लपुरम पहुंचे, जहां सत्य सारणी का मरकजुल हिदाया सेंटर है। आदरा और फायशा ने इसी सेंटर में धर्मांतरण होने की बात कबूल की थी। सत्य सरणी की सच्चाई क्या है? क्या वाकई यहां पर कन्वर्जन होता है? और जिस तरह से लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, क्या है उसका सच, ये जानने के लिए मैं सत्य सरणी पहुंची हूं। ये मंजेरी जगह है, आपको बता दूं, मलप्पुरम जिले का मंजेरी जगह, और आपको मैं सीधे अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हूं। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर ऑफिस, दरअसल यही है मंजेरी का सत्य सरणी इलाका, जहां पर लड़कियों के आरोप है कि उनको जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जाता है। मंजिल आंखों के सामने थी, यहाँ जो होने वाला था उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। Anyone is there? Yes. Who? I have to talk. You want manager? हाँ। हैं? Sign कर। देखिए। ये जो अच्छे मैनेजर बन रहा है। हैं? जो अच्छे थे मैनेजर बन रहा है। ये कह रहा है वीडियो, ये यहाँ रखते हैं। ये यहाँ रख करके तुम जाके बात करने के लिए बोलो। मुझे जाकर बात करना है। कैमरा ऑन था लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं था। कन्वर्जन के इस कथित अड्डे पर हमारे पहुँचते ही हड़कंप मच चुका था। बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा है? अच्छी बात करना। सत्य सारिणी के मैनेजर से हमें इजाजत लेनी थी लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं थे। बहुत देर बाद वो कैमरे पर आने के लिए राजी हुए। जो लोग हैं वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने इनसे बातचीत करने की कोशिश की है, ये मैनेजर है यहाँ पर, अथॉरिटी यहाँ परमिशन नहीं दे रहा। नहीं, इधर नहीं, परमिशन नहीं, परमिशन नहीं। लेकिन एक सीधा सिंपल सा सवाल है कि लड़कियों के जो आरोप हैं कि यहाँ जबरदस्ती आपके संस्था में धर्मांतरण होता है, क्या अरेला? डू यू स्पीक इंग्लिश और डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? You don't understand English. Conversion gang पर निधि के सवाल मिसाइल की तरह गिर रहे थे। मैनेजर ने पल्ला झाड़ दिया, फिर भी हमने उनके जहन में दफन कन्वर्जन का सच खंगालने की एक और कोशिश की। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप थोड़ी थोड़ी तो समझ रहे हैं, क्योंकि आपने अभी अंदर मुझे कहा कि आप थोड़ी हिंदी समझते हैं। थोड़ी थोड़ी समझते हैं। थोड़ी समझते हैं। अब चेयरमैन को बोलो
इस चेयरमैन को बोलो, चेयरमैन से परमिशन जी। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि लड़कियों का जो आरोप है, लड़कियों का कहना है कि धर्मांतरण होता है, उस पर क्या कहेंगे? अरील यहाँ पर क्या होता है, आप बात नहीं करेंगे? ये जो मैनेजर हैं ये अंदर चले गए हैं, ये बातचीत नहीं करेंगे, और जो दूसरा गेट है ये अंदर से बंद कर दिया गया है। दरवाजे बंद हो चुके थे, एक शख्स चोरी छिपे हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का वीडियो बना रहा था, दाल में कुछ तो काला था जिसे ये लोग छिपा रहे थे। इसमें जो शख्स थे वो अंदर चले गए कैमरे से वीडियो बना रहे? नहीं 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 नहीं, नहीं। I think he was making a video of mine. Yeah, because you are reading us. गेट क्यों बंद कर दिया है? क्यों बंद? ये वी नॉट बंद करने का कोई तो कारण हो? इस मैनेजर परमिशन के लिए, मैनेजर परमिशन के बाद गेट अंदर जाएगा। अच्छा, तो होंगे जो बात करेंगे, अगर मैनेजर नहीं बात कर रहे हैं, अथॉरिटी के बाकी लोग होंगे। इज एनीवन हियर अवेलेबल टू स्पीक? नो नो, व्हाई वुड वी, वी हैव परमिशन टू अपर अथॉरिटीज। कन्वर्जन की फैक्ट्री के किस्से चौंका रहे थे। केरल की सरजमी पर हमें तलाश ऐसी लड़कियों की थी जो न सिर्फ लव जिहाद के ट्रैप में फंसी बल्कि जिन्होंने दुनिया के सामने इस मकड़जाल के पन्ने परत दर परत खोले भी थे। हमारी तलाश हमें केरल के तिरुवनंतपुरम ले गई। तिरुवनंतपुरम में हमारी मुलाकात आदिरा उर्फ आयशा से हुई, जिसके सीने में कन्वर्जन की फैक्ट्री और उसके आकाओं से जुड़े कई राज दफन है। आपका नाम? आदिरा। आदिरा, विच प्लेस आर यू फ्रॉम? केरला। कासरगोड। कासरगोड क्या वो इलाका है जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा हैं, इस्लाम ज्यादा है वहाँ का? हाँ। किस चीज की पढ़ाई करने गई थी आप? स्टडीज विच डिग्री? मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेज कासरगोड गई थी। कासरगोड, तो कासरगोड में जब आप कॉलेज में गई तो आपकी लड़कियां फ्रेंड्स ने आपको कांटेक्ट किया कि लड़कों ने? बॉयज ट्राई टू कांटेक्ट यू और गर्ल्स? दोस्तों के जरिए लड़कियों से ही संपर्क हुआ था। गर्ल्स। आदिरा आज अपने परिवार के साथ तिरुवनंतपुरम में ही रहती है। जब भी आदिरा खुद पर हुए जुल्मों को याद करती है सिहर उठती है। लेकिन धर्मांतरण के जाल में आदिरा कैसे फंसी, उसे कैसे लव जिहाद का शिकार बनाया जाना था, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका तिलिस्म भी खुद आदिरा नहीं तोड़ा। साधारण संभाषण वहाँ सामान्य बात हुई। वहाँ सवाल पूछे गए कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं? फिर पूछा केरल में कितने देवी देवता हैं? मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, जिस पर हिंदू धर्म की वो आलोचना करने लगे। फिर धीरे धीरे हमें किताबें दी गई, कुरान का मलयालम ट्रांसलेशन किया हुआ, धर्म परिवर्तन किए लड़की लड़कियों के किताबें दी गई। आदिरा से जैसे सवाल पूछे गए उनका मुकम्मल जवाब आदिरा के पास नहीं था। ऐसे में उसका ब्रेन वॉश करने के लिए कन्वर्जन गैंग ने ऐसी थ्योरी अपनाई कि आदिरा कब आयशा बन गई उसे खुद भी पता नहीं चला। इस्लामिक स्पीचेस हमें फिर इस्लामिक MM अकबर और जाकिर हुसैन की CD और किताबें भी दी गई, हकीम की स्पीच दी गई। इसमें कुछ वक्त लगा, इसमें कंफ्यूजन और बढ़ गया, मेरे पास सवालों का जवाब नहीं था, लिहाजा धर्म परिवर्तन के सवाल पर घुटने टेक दिए। धीरे धीरे वो इस्लाम धर्म के हिसाब से खुद को बदलने लगी और अपने माता पिता को भी धीरे धीरे इस्लाम के बारे में बताकर प्रभावित करने लगी। मैंने और मेरे भाई ने धीरे धीरे इस्लाम को मानना शुरू कर दिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही आदिरा लव जिहाद ब्रिगेड के जाल में फंस चुकी थी। इस्लाम पर उसका यकीन बढ़ता जा रहा था और जो कुछ उलझने और सवाल आदिरा के मन में उठ रहे थे उन्हें डर और धमकी के जरिए हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। कैसे, इसकी दास्तान और भी रोंगटे खड़े करने वाली है। जन्नत और जहन्नुम क्या है इसके बारे में बताया गया। मन में डर पैदा किया गया कि इस्लाम को नहीं माना तो अल्लाह का गुस्सा देखने को मिलेगा और जहन्नुम में जाओगी। मैं धीरे धीरे जाल में फंसती गई। सवाल ये था कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक भोली भाली लड़की कैसे गुमराह हुई,
कैसे उसे धर्मांतरण के दलदल में धकेला गया और वो कौन लोग थे जिन्होंने कानूनी तौर पर आदिरा को आयशा बनाने में जी तोड़ मेहनत की। इस घिनौने खेल के तार प्रतिबंधित संगठन PFI तक से जुड़े। आदिरा जब घर छोड़ चुकी थी तब PFI के लोगों ने कैसे उसकी मदद की, इसका सच भी आज आदिरा दुनिया को बताएगी। PFI के लोग आप संगठन के लोग आपकी मदद करते कानूनी तौर पर इस्लाम कबूल करने में PFI संगठन के लोगों ने मदद की। ये वही वक्त था जब देश में निमिषा और अकीला की कहानी आ चुकी थी। PFI के लोगों ने कहा कि तुम मुस्लिम धर्म में शादी कर लो, सुरक्षित रहोगी। किसी लड़के से इसकी शादी लगभग तय कर दी गई और कहा गया कि कोर्ट में पति के साथ रहने की मंजूरी आसानी से मिल जाएगी। इस तरह मैं जाल में फंस गई। आदिरा का ब्रेन वॉश हो चुका था। इस्लामिक संस्था सत्य सरनी में PFI की मदद से आदिरा इस्लाम कबूल चुकी थी। इतने बड़े फैसले के बाद आदिरा का अगला प्लान क्या था, वो क्या करने वाली थी, ये भी जानिए। लीगली इस्लाम आयट തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം വുമൺ ആയിട്ട് തന്നെ कानूनी तौर पर इस्लामिक संस्था सत्य सरनी जाकर आधिकारिक तौर पर मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए इसमें PFI संगठन के लोगों ने मदद की। और फिर एक दिन मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाकर रहने लगी। घर वालों ने मिसिंग केस किया, उसके बाद भी मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मैं सत्य सरनी जाने का मन बना चुकी थी और पूरी तरह तैयारी कर ली थी। आदिरा इस कदर कन्वर्जन गैंग के जबड़े में फंस चुकी थी कि वो घर बार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सत्य सरनी जाने का मन बना चुकी थी। इसी दौरान आदिरा के चाचा ने भटकी हुई आदिरा को घर वापस लाने की मुहिम छेड़ी। लेकिन क्या परिवार की ये कोशिशें तब कामयाब हो पाई थी? कन्वर्टिंग स्टेज वर मैं और मेरा भाई ने धर्म परिवर्तन करने का मन बना लिया। हम इस्लाम धर्म फॉलो करने लगे। फिर चाचा को पता चला कि परिवार इंटेलेक्चुअल जिहाद का शिकार हो रहा है, तो उन्हें वापस लाने की कोशिश की गई। तब तक कानूनी तौर पर हमारा धर्मांतरण हो चुका था। आदिरा पूरे 17 दिन घर से बाहर रही। परिवार ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत तक दर्ज कराई। गुमशुदगी के दौरान आदिरा अपने मुस्लिम दोस्त के घर पर रही। यहाँ उसने वो सच देखा जिसकी कल्पना तक आदिरा ने कभी नहीं की थी। 17 दिन तक बिना बताए घर के बाहर रही। उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया। फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां मैंने कहा कि मुझे मुस्लिम धर्म में ही रहना है, माता पिता के पास नहीं जाना चाहती। माता पिता ने हार मान ली और कोर्ट में कहा कि तुम घर आ जाओ, वहीं इस्लाम के हिसाब से रहना। आदिरा की आंखें खुली। परिवार ने बेटी को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आखिरकार आदिरा उस मकड़जाल से बच निकली। लेकिन हर बेटी आदिरा जैसी खुशनसीब नहीं होती।